हाउस ऑफ पूर्णा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ कटल की बिरयानी और मुझे उम्मीद है कि ये बिरयानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये बासमती चावल लिए हैं जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया है। ये मैंने 1 कप चावल लिए हैं, इनको हम पहले खड़े मसालों के साथ बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ पैन में और इसमें अपने खड़े मसाले डालेंगे, तेजपत्ता, छोटी इलायची, लौंग और बड़ी इलायची। इससे चावलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब 1 कप चावल के लिए मैं इसमें 4 कप पानी डालूंगी। 2, 3, 4, क्योंकि हम चावलों को बॉईल करके निकालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब जैसे ही हमारा पानी बॉईल होगा हम इसमें चावल डाल देंगे। अब ये पानी हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे और लगभग 80% चावल रेडी कर लेंगे और 20% हम बिरयानी के साथ तैयार करेंगे। इनको कवर कर देंगे ताकि ये 80% बॉईल हो जाए। अब मैं चावल चेक कर लेती हूँ। अब ये हमारा चावल 80% पककर तैयार हुए है। अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। इनको छान इसमें से हम अब ये तेज पत्ता और मोटी इलायची चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका फ्लेवर पूरी तरह से इन चावलों में आ गया है। और इस पानी को भी अभी हम फेंकेंगे नहीं, जहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल करना होगा वहाँ पर हम इसी पानी को इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको एक साइड पर रख देते हैं और कटल को फ्राई कर देंगे। कटल को फ्राई करने के लिए हम उसी कढ़ाई में जिसमें हमें बिरयानी बनानी है इसमें हम पहले थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम कटल डालकर इसको फ्राई करेंगे। अब हम कटल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कटल हमारा रोस्ट हो गया है और काफ़ी हद तक पक भी गया है। इसमें भी जो 10% या 20% कसर है वो हमारी बिरयानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस कटल को निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा कटल फ्राई हो गया है। अब हम अपने अनियंस फ्राई करेंगे। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे, इसमें हम लौंग और छोटी इलायची फ्लेवर के लिए डालेंगे और साथ ही हम स्लाइस किया हुआ अनियन इसमें डालेंगे। इसमें अनियन को हमें ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। इसमें हम बिरयानी की जब लेयर्स बनाएंगे तो उसमें हम इस अनियन का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट
रस के साथ फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएगा सबसे मेन इंग्रेडिएंट दही। एक कप दही में हम हाफ स्पून सॉल्ट डालेंगे, पेपर डालेंगे, हल्दी और जीरा पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस दही को हम कटल में मिक्स करेंगे। कटल को और दही को एक साथ भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जो चावल से हमने निकाल कर अलग किया था, यह हमारा फ्लेवर्ड वाटर है, क्योंकि इसमें हमने सारे खड़े मसाले डाले थे। इसको भी कटल में डाल देंगे और इसको हिलाकर थोड़ी देर के लिए कवर होकर कुक करने के लिए रख देंगे। ये बिरयानी के लिए हमारा कटल रेडी हो गया है। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। इस तरह से इसको एक बोल में निकाल कर रखेंगे और इसी की लेयरिंग फिर हम बिरयानी में करेंगे। तो चलिए अब हम बिरयानी के मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसकी लेयरिंग। इसके लिए पैन में डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा देसी घी और राइस, जिनको हमने 80% बॉईल करके रखा था। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। एक पार्ट हम पहले पैन में डाल देंगे और अब फ्लेम जो है हम मिनिमम रखेंगे, क्योंकि हमें दम बिरयानी बनानी है। बहुत कम फ्लेम पर हम इसको दम के लिए रखेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे फ्रेश पुदीना लीव्स। इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे हम ये रोस्टेड अनियन जो हमने करके तैयार किए हैं। फिर से हम चावल की एक लेयर लगाएंगे। सेम प्रोसीजर से हम कटल इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर हम एक स्पून जो चावल से पानी निकला था उसको डाल देंगे। पहले इसमें अनियंस और इसी तरह से ये पुदीना डालेंगे। आपको जितनी ज़्यादा बिरयानी बनानी है और जितनी लेयर्स लगानी है वो इसी प्रोसेस से बनेगी। इसमें हम डालेंगे राइस। इसके ऊपर हम फिर इन अनियंस को डालेंगे। इसके ऊपर डालेंगे पुदीना लीव्स। ये थोड़ा सा मैंने केसर और फूड कलर मिक्स करके रखा है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से डाल सकते हैं। और लास्ट में हम डालेंगे फ्राइड काजू। अब हम इसको लिड लगाएंगे और इस लिड को हम आटे से साइड से बिल्कुल कवर कर देंगे, ताकि बिरयानी में पूरी तरह से दम आ जाए। इस बिरयानी को 20 मिनट तक मैंने दम पर रखा था। अब मैं इसको आपके सामने ही खोलती हूँ। वाह, क्या खुशबू आ रही है इसमें। अब हम इस पर थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे और एक चम्मच डालेंगे देसी घी। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए,
लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार हो रही है। और जो इसका एरोमा है, ये जब आप बनाएंगे तो आप खुद ही इसको स्मेल कर पाएंगे कि कितना अच्छा इसका एरोमा आ रहा है। एक एक चावल जैसे महक रहा है।